नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सृष्टि नहीं मिल रही है। निधि इस समय सृष्टि को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निधि ने बोला है कि मेरे से कोई बच नहीं पाएगा और इस समय सृष्टि को मरना होगा ताकि प्रीता को जल्द से जल्द फिर मैं मारने के लिए कोशिश कर सकूं। क्योंकि दोस्तों निधि एक ऐसी शख्सियत रही है कि वो लूथर परिवार को भी लगातार टारगेट कर रही है। प्रीता और सृष्टि, राजवीर, करण सभी को एक साथ बैंड बजाती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों एक बार राखी ने बोला था, करण की माँ राखी ने बोला था कि निधि इस घर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके आचार विचार हमसे मैच भी नहीं करते हैं और वो हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे वो कुछ साजिश कर रही है हम लोगों के खिलाफ, इसलिए जितना हो सकता है इस घर से दूर ही रहे तो ठीक है। लेकिन दोस्तों करण ने उस चीज़ को उस समय डिनाई कर दिया था और अनदेखी कर दिया था, और आज वो ही चीज़ कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर भारी पड़ती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं बल्कि बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि आखिरकार ये क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ के लिए किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी कुछ होगा दोस्तों, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत होता हुआ नज़र आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि निधि एक बार फिर से प्रीता को भी गोली मारेगी दोस्तों, क्योंकि वो उसकी कड़वी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि वो प्रीता को ख़त्म कर देना चाहती है। साथ ही दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप।